तो मैंने ना जितनी भी चीज़ें आज के लिए मैंने नोट डाउन की थी सारी हो गई मेरी। आप सिर्फ वैक्स से कराओगे ना, रीका वैक्स से, तो आपके अंडर आर्म्स बहुत हद तक लाइटन हो जाएंगे। फर्स्ट टाइम मैं देखूंगी टिमटिम को स्विमिंग करते हुए। ये अमेजिंग प्रोडक्ट के बारे में भी आपसे बात करना चाहूंगी, जो कि है लव लैब का 2-in-1 वॉकर, जिसको कि आप एज वॉकर प्लस एज रॉकर भी यूज कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर वॉकर के साथ ना ये सारी चीजें आती हैं, जिसमें से जो सबसे पहले है वो है मेन बॉडी, फिर उसके बाद में ये कुशनी सीट मिलेगी आपको जो कि वॉशेबल होती है एंड काफी कंफर्टेबल होती है। डिटैचेबल रैटल एंड टॉयज मिलेंगे, व्हील्स मिलेंगी और एंटी स्किट स्टॉपर्स मिलेंगे, और एक हैंडल मिलेगी जिससे कि आप बेबी को आराम से वॉकर मतलब डायरेक्शन दे सकते हैं वॉकर में जब बेबी बैठा हो। तो अगर अब मैं क्लोजली आपको ये वॉकर दिखाऊँ ना, तो ये जो लव लैब का कम्फी वॉकर कम रॉकर है ना, ये इसका जो टॉय है ये डिटैचेबल है। सामने इसमें म्यूजिक सिस्टम है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, और ये टॉय जो है ना बच्चों को बहुत देर तक एंगेज करके रखता है। और जो सीट है ये है वॉशेबल, अप टू 15 kg वेट इसमें आप डाल सकते हैं। और ये जो हैंडल है ये भी रिमूव कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, और नहीं रखना चाहें तो रख सकते हैं। अब अगर आप इसकी व्हील्स देखेंगे तो ये 360 रोटेशन वाली व्हील्स है, तो इससे बच्चे बिल्कुल फ्री रहते हैं, जहां उन्हें जाना है जा सकते हैं। प्लस इसमें ना ये 4 एंटी स्किड स्टॉपर्स भी दिए हुए हैं, जो कि बच्चों की सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे बच्चों का फिसल के गिरना जो होता है ना, वो चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। मैंने तो एक्चुअली राम को बस ऐसे ही वॉकर में बिठाया, वैसे तो वो वॉक करने लग गया है, बट वो उस म्यूजिक सिस्टम को बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहा था। एंड क्योंकि उसकी वॉकिंग स्टार्ट हो गई है, तो उसने मुझे थोड़ा भी चल के नहीं दिखाया इस वॉकर में, वो सिर्फ बैठ करके आराम कर रहा था। और एक और फीचर जो कि मैंने आपको बोला ना कि ये रॉकर बन जाता है, वो चीज़ मुझे इसकी बहुत अच्छी लगी, कि जैसे बच्चा अगर सपोज आपका वॉक कर करके थक गया, या फिर अगर आपका बच्चा थोड़ा ज़्यादा छोटा है अभी उतना वॉकिंग नहीं कर सकता, तो आप इस पर्टिकुलर जो वॉकर है ना इसको एज रॉकर यूज़ कर सकते हैं बच्चे को इसमें बिठा करके, और जो रॉकिंग चेयर होती है ना कुछ वैसे आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो 2-in-1 है एंड सिर्फ एक ही क्लिक से आप इस वॉकर को ना रॉकर में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो जो नीचे बटन्स दिख रहे हैं ना रेड वाले, उनको बस प्रेस करके। सो मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये क्वालिटी वाइज, हर चीज़ के अकॉर्डिंग ये जो पर्टिकुलर वॉकर है ना ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंड इसकी जो बाइंग लिंक है ना मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा। और आपके बेबी अगर 7 month प्लस है तो आप ये ले सकते हैं। मैंने क्योंकि राम को 7 month का जब वो हो गया था उसके बाद से वॉकर में डालना स्टार्ट कर दिया था। यहाँ मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि वो थोड़ा तो चल के जाए, बट वो हिल भी नहीं रहा था अपनी जगह से, सीरियसली। एवरीबडी, आज का व्लॉग भी यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। क्या करूँ, मेरा ना बहुत सारा टाइम दिन का यहीं पे जाता है, या तो कहीं रेडी हो रही हूँ कहीं जाने के लिए, वो यहीं पे खड़े होकर व्लॉग स्टार्ट हो जाता है। बट आज मैं ना कहीं जाने के लिए रेडी नहीं हो रही हूँ, मैं एक्चुअली एक आधिक रील मुझे करने हैं उसके लिए मैं रेडी हो रही हूँ। और आज आफ्टरनून के 2 से ज़्यादा हो गया, अब जाके मुझे टाइम मिला है कि मैं कुछ करूँ। सुबह से प्लान बना करके बैठी थी कि आज क्या क्या करना है, बट आज राम ने तो मुझे इतना इरिटेट कर दिया ना कि मैं क्या बताऊँ। अब जाके सोया है वो, तो मैं आई हूँ अपना काम करने। सो आई थॉट कि व्लॉग की शुरुआत भी कर लेती हूँ और जो रील्स बनाने हैं वो भी बना लेती हूँ। सो मैंने ना मेरा बर्थडे था परसों, उस दिन मैंने व्लॉग नहीं किया, और आप लोगों ने बहुत सारे विशेस मुझे भेजे इंस्टा पर, उसके लिए थैंक यू सो मच। बट मैंने मेरे बर्थडे का व्लॉग नहीं किया, मुझे थोड़ा सा ऑड लगता है। मेरा बर्थडे बहुत अच्छा गया, मेरे हस्बैंड ने मुझे बिल्कुल प्रिंसेस के जैसा ट्रीट किया बर्थडे के दिन, एंड मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं लेकिन वो सब शूट नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि किसी को लगे कि सब फेक है ना। बच्चों का बर्थडेज मुझे व्लॉग करना अच्छा लगता है, बिकॉज वो यादगारें यादें हो जाती है जो मैं सेव करके रख लेती हूँ। हम अभी भी टिमटिम के जो बर्थडे व्लॉग्स हैं ना पुराने, वो देखते हैं, तो सेम वैसे ही मैं राम के भी आगे करूँगी ही, और टिमटिम के भी चलते रहेंगे, बट अपने बर्थडे का कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे व्लॉग करने का, तो इसलिए मैंने नहीं किया। बट हाँ, मैं इंस्टा पर बता देती हूँ ज़रूर कि आज मेरा बर्थडे है, क्योंकि सोशल मीडिया में जब मैं हूँ तो मुझे जो मेरे फॉलोअर्स हैं उनको ये बताना ज़रूरी है कि आज मेरा बर्थडे है। सो मैंने बताया, बहुत सारे लोगों को पहले से ही याद था, तो मुझे DMs आ गए थे बहुत सारे,
एंजेली नहीं याद था, उन्होंने मुझे विश किया तो उसके लिए थैंक यू सो मच। मैं बस हल्का हल्का टेंट लगा रही हूँ फेस पर ताकि थोड़ी सी प्रेजेंटेबल लगूँ, बिल्कुल हल्का। आप देखेंगे तो मेरे फेस पर आपको कुछ भी मेकअप नहीं लगेगा। एंड मेरे नेल्स कैसे लग रहे हैं, मैंने नेल पेंट लगाई है, इसका भी रील डालूंगी मैं। एक्चुअली बहुत अच्छा लगता है, मुझे ऐसा लगता है वो नेल जेल नेल्स जो मैं कराया था मैंने, इतना महंगा था, उससे बेटर इस तरीके के नेल पेंट्स लगाओ अगर कहीं स्पेशल डे कहीं जाना है तो। और ये 2-3 दिन तो आराम से रह जाते हैं। मैंने परसों लगाया था, परसों नहीं कल लगाया था, और मैं घर के काम करती हूँ, खाना बनाना, जो डिश वॉशर में बर्तन नहीं धुलते वो बर्तन हाथ से धोना, सो बहुत सारे काम है जो कि मैं खुद करती हूँ, बच्चों की चीज़ छोटी मोटी चीज़ें वॉश करना, ये सब की वजह से भी, इन सब के बावजूद भी मेरे नेल्स नेल पेंट अभी निकले नहीं है, तो अच्छा होता है। मैं ये शेयर करने वाली हूँ इसका रील, सो स्टे ट्यून्ड मेरे इंस्टा पर। चलो मैं ना फटाक से रेडी होकर के ना रील शूट कर लेती हूँ इससे पहले कि राम उठे। हाँ, वन मोर थिंग, पता है जिनके अंडर आर्म्स डार्क हैं उनके लिए ना एक सजेशन है। देखो मेरे भी ना बीच में अंडर आर्म्स बहुत डार्क हो गए थे, मे बी प्रेगनेंसी की वजह से, या इवन प्रेगनेंसी के भी थोड़े पहले से मुझे ना मेरे अंडर आर्म्स बहुत डार्क हो रहे थे। सो मैंने ना पता क्या किया, कुछ भी नहीं किया। मैं आपको ही बोलूँगी कुछ भी मत करो, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट मत लो, बस एक चीज़ करना बंद कर दो, वो ये कि आप अगर रेज़र यूज़ करते हो तो रेज़र यूज़ करना बंद कर दो, सिर्फ आप अंडर आर्म्स को वैक्स से ही करवाओ। हर महीने अगर कराते तो हर महीने या डेढ़ महीने में एक बार, जैसे मैं डेढ़ महीने में एक बार करवाती हूँ क्योंकि मेरी उतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। सो आप सिर्फ वैक्स से कराओगे ना, रीका वैक्स से, तो आपके अंडर आर्म्स बहुत हद तक लाइटन हो जाएंगे। मेरे अभी एकदम लाइट हो गए हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैंने जरूरत भी कर ली है स्लीवलेस ड्रेस पहनने की, अदरवाइज़ मैं थोड़ा बचती हूँ स्लीवलेस पहनने से, सिर्फ इसलिए क्योंकि अंडर आर्म्स डार्क है। मोटे शोल्डर्स से मुझे कोई इशू नहीं है, बट वो डार्क अंडर आर्म्स अच्छे नहीं लगते, तो इसलिए अब लेकिन एकदम अच्छे अच्छे हो गए हैं। तो चलिए अभी मैं बाद में बात करूँगी, ओके बाय बाय। सो मैंने ना जितनी भी चीज़ें आज के लिए मैंने नोट डाउन की थी सारी हो गई मेरी। मुझे 2 वीडियोस करने थे यूट्यूब के लिए, वो हो गए। मुझे रील बनाने थे तीनों रील्स भी बना लिए। सो बहुत डीमोटिवेटेड थी सुबह तक के मैं, बट अभी राम सोया थोड़ी देर तो मेरा सारा काम हो गया। हाँ, अब रही बात एडिटिंग की, तो वो तो मैं लेट नाइट जग करके कर लूँगी, रात में मुझसे वीडियोस नहीं बन पाते, क्योंकि क्या होता है राम के बगल में अगर मैं ना रहूँ तो वो हर थोड़ी थोड़ी देर में उठ करके रोता है, और वीडियोस अगर मैं बनाऊँगी तो उसके बगल में कैसे रह सकती हूँ। एडिटिंग कर लेती हूँ उसके बगल में मैं बैठ करके, बट वीडियोस रात में नहीं हो पाते। पहले रात में वीडियोस बनाया करती थी मैं जब टिमटिम थी अकेले सिर्फ और राम नहीं था ना तब, बट अभी नहीं हो पाता। सो मैंने ना काफ़ी अच्छी अच्छी रील्स बनाई हैं, सो अगर आप मुझे इंस्टा पर नहीं फॉलो करते तो प्लीज़ जाइए फॉलो करिए। ये मैंने मेरा कुर्ता पहन करके एक बहुत अच्छा लुक किया इंस्टा रील के लिए। पता है ये कुर्ता मैंने ना जब राम होने वाला था, आई थिंक मैं जब प्रेग्नेंट थी तभी लिया था इसको मैंने, कि जस्ट आफ्टर डिलीवरी लिया था, तो मैंने काफ़ी बड़ा साइज़ ले लिया था। काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, अमेजोन का है ये, अराउंड 2000 का है ये। अनारकली सिर्फ कुर्ता ही और दुपट्टा उपट्टा कुछ नहीं है, लाइक बहुत अच्छी क्वालिटी वाइज। बट पहली चीज़ तो मैंने काफ़ी लूज़ लिया, दूसरी चीज़ मैंने इसको ना ऑल्टर भी तब कराया जब मैं ऑलरेडी मेरा वेट था, तो ये अभी मुझे ऑल्टर कराने के बाद भी बहुत लूज़ है। अब मैं सोच रही हूँ कि फाइनली जो मेरा वेट लॉस की जर्नी अब फिर से थोड़े टाइम बाद स्टार्ट करूँगी, और जब मैं पहुँच जाऊँगी जहाँ मुझे एक्चुअल में जाना है, तब मैं इसको एक बार फिर से ऑल्टर कराऊँगी, क्योंकि अभी भी मुझ में लूज़ है। मुझे चाहिए एकदम अच्छा प्रॉपर फिटिंग वाला, ये देखिए ये सब भी थोड़ी अच्छी प्रॉपर फिटिंग है, एकदम टाइट भी नहीं बट एटलीस्ट इतना। सो बस वही है, मैंने यहाँ बहुत सारा ये पूरे कपड़े ही कपड़े फैले हुए हैं, क्योंकि मैंने यहाँ भी ट्राई ऑन वगैरह भी किए थे, बहुत सारी चीज़ें की, आई एम सो हैप्पी कि बहुत प्रोडक्टिव था। मैंने क्या किया था, सुबह उठते से ही ना जब टिमटिम का टिफिन बना रही थी उसी टाइम पर मैंने लंच की प्रेपरेशन भी चालू कर दी थी, कि अगर राम अपनी फर्स्ट नैप लेगा तब मैं मेरे वीडियोज़ बना लूँगी। बट आज उसने फर्स्ट नैप सिर्फ 20 मिनट के लिए, मतलब मैं सिर्फ उसको सुला करके घर से सामान इधर उधर से उठा रही थी जो उसने फ्लोर पर फैला के गया था ना, सिर्फ वो उठा रही थी उतनी देर में ही वो उठ गया। इवन मैं पोछा भी अच्छे से नहीं लगा पाई थी, सिर्फ दो रूम में ही मोपिंग कर पाई थी। फिर वो उठ गया, उसके बाद वो सोया ही नहीं, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रही थी मैं। बट अभी जो उसकी सेकेंड नैप, टच वुड 1 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं, अच्छे से सो ले वो, मैं तब तक ये सब कर लेती हूँ। आजकल आफ्टरनून में सोने का मेरा पूरा
केस ही मैंने ख़त्म कर दिया, क्योंकि अब मैं ये क्लीन करके जाऊँगी टिमटिम के लिए टेस्ट पेपर्स रेडी करने के लिए, क्योंकि उसके स्कूल चालू हो गए. मैं क्या बोल रही हूँ, स्कूल चालू हो गए हैं, तो मुझे ना डेली उसके लिए जब उसके टेस्ट होने वाले होते हैं स्कूल में, तो घर पे मैं ऐसे रफ टेस्ट पेपर्स उसे रेडी करके देती हूँ कि आप सॉल्व करो. तो मैं सब मैं जा रही हूँ वो करूँगी, ताकि आज शाम को वो सॉल्व करे. अभी टिमटिम को भी सुनाना है, बहुत सारे काम है. तो चलिए अभी मैं ये करती हूँ, क्योंकि टिमटिम स्कूल से आ गई, उसको लंच दे दिया, लंच कर रही है वो. फिर उसको सुला करके फिर वो उठेगी तो थोड़ी देर खेलने जाएगी, वापस आके जो मैं टेस्ट पेपर बना के रखती हूँ वो सॉल्व करती है. तो ऐसा है मेरा एक मदर का काम, और आप में से जो जो मदर्स होंगे वो सब ये सारी चीज़ें करते होंगे. मैं कुछ अलग नहीं कर रही हूँ, है ना, क्योंकि अकेले हो आप तो सब कुछ आपको ही मैनेज करना होता है. मेरे हस्बैंड बहुत कोऑपरेटिव है, बट उनकी जॉब पे ज़्यादा ध्यान देना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है ना. चलिए मिलती हूँ मैं मेरी चूड़ियाँ जमाने बैठी हूँ. मैंने ये मीशो हॉल में आपको दिखाया था कि मैंने ये मंगाया है चूड़ी रखने के लिए, बैंगल्स रखने के लिए. सो ये मेरे पास ना इतनी सारी हर कलर की ना ये वेलवेट वाली बैंगल्स रखी हुई हैं, जिनसे अभी राम खेल रहा है. सो मैं अभी इनको इसमें जमाऊंगी. आई होप कि इसमें आ जाने, तो मैं एक आध और ऑर्डर करूंगी ये, क्योंकि इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है. मेरी सारी चूड़ियाँ एक जगह रहेंगी. इनफैक्ट मैंने कुछ चूड़ियों को ना वहाँ पर ऐसे ओपन डब्बे में रखा है, तो उनके लिए भी मैं सोच रही हूँ ऐसे ही मंगवा लेती हूँ, ताकि ख़राब ना हो हवा लगने से, क्योंकि ये काफ़ी रीज़नेबल है. प्लस क्वालिटी वाइज भी काफ़ी अच्छा है. सारी चूड़ियाँ मैंने जमा ली इसमें, और बड़ी मुश्किल से जमाई, क्योंकि ये मुझे कुछ नहीं करने दे रहा था, बट समहाउ आई मैनेज्ड. अभी भी कुछ चूड़ियाँ हैं जो ऐसे ही रह गई हैं, इनके लिए मुझे अब ये और मंगाने पड़ेंगे. सो ये मैं और मंगवाऊंगी. एवरीबॉडी, सो हम लोग ना अभी बाहर जा रहे हैं. मैंने आप लोग को बहुत बार बताया था ना कि टिमटिम स्विमिंग क्लास जाती है. सो अभी तो उसका स्कूल चालू हो गया था, तब से मॉर्निंग की क्लासेस हमने बंद कर दी थी, बट अभी वीकेंड है, सो वी थॉट कि उसको शाम को लेकर के जाते हैं. तो आज फर्स्ट टाइम मैं जा रही हूँ उसकी स्विमिंग क्लास में, और मैं फर्स्ट टाइम देखूंगी उसको स्विमिंग करते हुए, क्योंकि वीडियो भी नहीं था मेरे पास में, बिकॉज हस्बैंड भी जाते थे तो ये लोग फ़ोन घर पर ही छोड़ के जाते थे, क्योंकि हस्बैंड भी स्विमिंग करते थे, तो वीडियो भी नहीं देखा था, कुछ भी नहीं. तो आज फर्स्ट टाइम मैं देखूंगी टिमटिम को स्विमिंग करते हुए, एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. सो आई थॉट कि मैं व्लॉग में भी शेयर करूँ आपके साथ में. सो मैं और राम जा रहे हैं पापा और टिमटिम के साथ में, और देखते हैं कि ये दोनों कैसा स्विम करते हैं. टिमटिम के स्कूल में भी है स्विमिंग क्लासेस, बट उसके भरोसे टिमटिम अभी तक नहीं सीख पाई, लेकिन क्लासेस हमने इंडिविजुअली डाला तो वो अच्छे से अब स्विम करने लग गई है, ऐसा ये लोग बता रहे थे. लेट्स सी. और मैंने ये न्यू सी टी शर्ट पहनी है, जो कि है जूडियो से, काफ़ी अच्छी लग रही है. मेरी स्लीपर्स भी बड़ी प्यारी है. मैं ना अभी उतरूंगी जब कार से, तब आपको दिखाऊंगी. मुझे आज मेरा पूरा ओओटीटी बड़ा प्यारा लग रहा है, अभी इंस्टा पर भी शेयर करूंगी. मेरे घर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, बट फिर भी आई गेस 3 किलोमीटर्स के अप्रॉक्स होगा ये. और टिमटिम ने मुझे यहाँ पे स्विम करके दिखाया. ये 6 फीट में वो स्विम कर रही थी. स्विम कर लेती है वो, बट हैंड मूवमेंट उसकी अभी उतनी अच्छी नहीं है. बट 6 फीट पे उसने मुझे प्रॉपर स्विमिंग करके दिखाया था. मैंने ज़्यादा क्लिप्स नहीं बनाई, क्योंकि बहुत सारे लोग स्विमिंग कर रहे थे, और वो अच्छा नहीं लगता कि मैं उनकी क्लिप्स बना करके और फिर शेयर करती. देन फिर वहाँ से आने के बाद ना हम लोग फ्रेशन अप होकर के फिर हम बाहर गए थे डी पिज़्ज़ा डिनर के लिए. एंड मैं फर्स्ट टाइम गई थी यहाँ पे. काफ़ी अच्छा लगा मुझे. रीजनेबल तो बहुत ज़्यादा है, प्लस फूड क्वालिटी भी अच्छी थी. एक्चुअली अनलिमिटेड वाला सिस्टम था यहाँ पे, तो इनके स्टार्टर्स जो थे ना वो बहुत अच्छे थे. पिज़्ज़ा तो ओके था, बट मुझे इनके स्टार्टर्स बहुत अच्छे लगे. मैंने इस बार ये अच्छी क्लिप नहीं बनाई, बट नेक्स्ट टाइम जाऊँगी ना तो मैं क्लिप बनाऊंगी. एक्चुअली मैं हम लोग सबसे लेट रात के 11 बजे ये क्लिप कर रही हूँ, जबकि जब ये जो रेस्टोरेंट है ना ये बंद होने वाला था, तो इसलिए आधे ज़्यादा चीज़ें आपको ख़त्म दिखेंगी. ये सारे स्टार्टर्स हैं, तो अच्छा था. अगर आप पुणे में वाघोली एरिया में रहते हैं ना, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा डी पिज़्ज़ा, ट्राई कर सकते हैं आप. तो यहाँ पर ये जो व्लॉग है ना इसको कर रही हूँ मैं फिनिश. वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.